हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता किचन रेसिपीज। और आज मैं बनाऊंगी काले वाले चने। जो चने होते हैं वो काफ़ी पौष्टिक होते हैं और काफ़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। हम इनको भिगो के अंकुरित करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं इसको। वैसे भी टेस्टी लगते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। और नवरात्रों में सभी माता के भोग के लिए छोले तैयार करते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस बार आप इस तरह बना के देगी। और हर बार की तरह यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चने बनाने शुरू करते हैं। चने बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल चना लिया है जो मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है। और मसालों में हम लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चना मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा, नमक। और हमें चाहिए तेल। सबसे पहले हम चनों को उबाल लेते हैं। ये मैंने अच्छे से 2-3 बार साफ पानी में धो के और फिर भिगो लिए हैं। और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। आप इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, इतना ही रहे कि हमारे चने अच्छे से उबल जाए। और अब हम इसको 4 से 5 मिनट लाने तक उबाल लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ और इसको उबलने देते हैं। 4 से 5 मिनट आ चुकी है और कुकर का प्रेशर भी खत्म हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं खोल के। चने अच्छे से उबल गए हैं। अब मैं इनका पानी है वो निकाल देती हूँ। इसका पानी निकाल दिया है मैंने। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। और इसमें हम तेल डाल लेते हैं। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें तेल डाल दिया है। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें जीरा डालेंगे और जो जो हमें मसाले चाहिए उनको मैं एक कटोरी में डाल के पानी से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हम इसमें लहसुन और प्याज का यूज नहीं कर रहे। तो हम अपने मसालों को पानी में मिक्स करके डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून चना मसाला, 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर और 1/2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च का यूज किया है। और 1 टेबलस्पून नमक, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के। तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो मसाले डालते टाइम आप गैस का फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लो किया है। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जीरा डाल देती हूँ। और यहाँ पे डाल देंगे अपने मसाले जो हमने मिक्स कर लिए पानी में। और
लगा लेती हूँ। और 2-3 मिनट के लिए हम अपने मसालों को अच्छे से भूनने देंगे। आप इसको जरूर ट्राई करें और अब की बार नवरात्रों में माता के भोग के लिए इस तरह ही बनाइए। और आप इसको बना के बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दीजिए, बच्चे से खुश होकर खाते हैं, मेरे बच्चे से बहुत खुश होकर खाते हैं, मैं काफ़ी बार उनके लंच बॉक्स में उनको बना के डाल दी। मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, मसाले में तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें चने डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चूल्हे को चेक कर लेते हैं। मैं इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब हम फिर से चेक कर लेते हैं। हमारे चने अच्छे से पक के तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसको मिक्स करके अच्छे से गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। ये हमारे चटपटे छोले बनके तैयार है। तो आप इस बार नवरात्रों में ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और माता के भोग के लिए इस तरह के छोले बनाएं। और इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।